हेलो गाइस, वेलकम टू टाइम क्रेज एंड आज हमारे सामने खड़ी है पल्सर 220F। सो हियर इज इट हाउ इट लुक्स। वन सेकंड। सो गाइस, ये है कुछ फ्रंट टायर। सिंगल चैनल एबीस के संग ही अभी भी आ रहा है एंड फ्रंट 9017 है, ठीक है, 90x90 है। पतले टायर्स आपको देखने को मिलता है, शॉकर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, आपको अच्छा स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है गाइज, नो डाउट। 220 काफ़ी लेजेंडरी बाइक रह चुकी है अपने टाइम पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑयल कूल इंजन है एंड ये रहा इसका ऑक्सीजन सेंसर, O2 सेंसर सॉरी, एंड सेकंड सेंसर मेरे को दिख नहीं रहा गाइज। अभी भी गाइज ये बाइक लॉन्च हुई है एंड अभी तक इस बाइक में गाइज एक बात और भी है, कंपनी ने अभी तक अपने वेब पेज पे इसे ऑफिशियली रिवील करा ही नहीं है अभी तक, बस खाली इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इंजन स्पेसिफिकेशन आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा गाइज। ये कुछ इसका साइड लुक है एंड पीछे आपको 120 सेक्शन टायर आपको देखने को मिल जाता है, अच्छा वाइड प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाता है रेयर में। यहाँ पे आपको 220 देखने को मिल जाता है इंपोस्ट। यहाँ पे आपको पल्सर की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है और ये कुछ आपका जैसा पुराना जैसे पहले आता था ये वैसा ही है प्रीवियस। एंड यहाँ पे कोई भी खाली इग्निशन एंड सेल्फ स्विच देखने को आपको मिलता है और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर आ जा रहा है। DTSI इंजन आपको इसमें आ जाता है, द लेजेंडरी इंजन। आफ्टर 220 फेलियर कंपनी ने वापस से इसे लॉन्च कर दिया गाइज। इसमें लाइक मुझे थोड़ा थोड़ा कमी लाइक गाइज इसे LED चाहिए था मुझे, तो इस पर LED होता तो अच्छा हो जाता और सामने लाइट को भी LED कर देना चाहिए था। वैसे ये काफ़ी अच्छा लगता है ये डिज़ाइन इसका, बट अंदर LED होता, अभी भी सारा हैलोजन इसमें जलता है, येल्लो लाइट्स, वो सारा LED हो जाता, LED इंडिकेटर्स हो जाता एंड डुअल चैनल ABS हो जाता गाइज। सो ये पूरी तरह से परफेक्ट हो जाती एंड मीटर में अभी जो नया दे रहे हैं वो वाला ही, उसमें जो जो फीचर्स आ रहा है गाइज वो सारा फीचर्स इसमें अगर दे देते तो बाइक काफ़ी अच्छी हो जाती गाइज। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब करते हैं इसे ऑन। माइलेज आपको गाइज इसमें अबाउट 35-40 km/h तक का आपको माइलेज मिल जाएगा। फुल स्वाइप करता है गाइज यहाँ पे एंड अब मैं आपको इसका फ्रंट दिखा देता हूँ। फिर ये पायलट लैम्प्स है जो आपका जल जाता है यहाँ पे। हजार्ड अभी भी नहीं आया इसमें। This is how it sounds guys. See this RPM meter of it. काफी तेज एक्सीलरेशन है। एंड गाइज ये रहा इसका कुछ इंजन, इंजन स्पेसिफिकेशन आपको दिख गया होगा। पीछे आपको डिस्क ब्रेक आ जाता है।
ट्रिप टू ओडो, बस इसमें गाइस माइलेज वगैरह कुछ भी नहीं दिखाता, रियल टाइम माइलेज और कनेक्टेड टेक कुछ भी नहीं है। आरपीएम लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ये रेड रेड करके ब्लिंक करता है। अभी ड्राइव रिव्यू भी आपको दे दूंगा आज, इसका कैसा फील हो रहा है। वैसे मैं इसे चला चुका हूँ, काफ़ी अच्छी बाइक है वैसे ये। तो गाइस अभी इसे चला के देखते हैं कैसा फील आता है। काफ़ी इजी स्टार्ट था, आरपीएम पहले हाई हुआ आप देख सकते हो, अभी थोड़ा आरपीएम डाउन हुआ। इसी देश मैंने थ्रॉटल ले लिया गाइस, टॉर्क इसका काफ़ी अच्छा है, उठ जाता है। ऐसे बी सिक्स में सब में उठ जाता है, बट इसमें काफ़ी लाइक थोड़ा बड़ा इंजन भी है, सो इट इज वेरी वेरी गुड। काफ़ी स्मूथ है गाइस, बहुत स्मूथ है, एक्सीलेटर लेते ही एकदम काफ़ी जल्दी चल रहा है। गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ था, सेकंड गियर पे बाइक आ चुकी है। इनिशियल फील काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग दिखाता हूँ गाइस आपको। गाइस ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी थी गाइस बाइक की, सो अभी छोटी सी टेस्ट ड्राइव ले आऊँ गाइस, बाद में आपको एक बड़ा रिव्यू भी दूंगा, जल्दी दूंगा, और माइलेज टेस्ट वगैरह भी इसका जल्दी आ जाएगा 2022 में ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अब वीडियो करता हूँ एंड अब आपको मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग पे।